उसी नॉलेज का प्रैक्टिकल किया हमने, कोई हम डाउट लेके जा रहे हैं क्या? चलो तो एक बार सर के लिए क्लिपिंग कर दो भाई। सर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं आए हैं कि जहाँ क्या टीचर बिजनेसमैन है, मतलब जो ऑनर है वो बिजनेसमैन है, यहाँ के जो ऑनर है वही टीचर भी है। उनका ही बनाया हुआ है ना, ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आया। दूसरी चीज, ऐसे टीचर से पढ़ने आया जिनकी 3 पुस्तकें मार्केट में हैं और उसको कम से कम 7 से 8 बार अपडेट कर चुके हैं, उनके साथ पढ़ने आया। तो जो सरलता के साथ आज आपको जो कंपोनेंट दिया है, मैं कह रहा हूँ कि खाली अगर यही नॉलेज अगर कोई अगर दूसरा अगर मैं किसी को अगर इन्विटेशन दूं इंस्टीट्यूट वाले को, तो वो आप सोच नहीं सकते कि क्या लेके चले आए हो, वही नॉलेज आपको मिला। दूसरी बात, आपने जो जो भी सीखा उसका प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? प्रैक्टिकल सर, अगर मैं सवेरे से बात करूं, मैं सवेरे 7 बजे से बात करूं, मैं तो 7 बजे की बात करूं और सर की क्लास 4 बजे खत्म हो गई थी, 4 बजे खत्म हो गई थी, तो 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 5 घंटे ये और 3 घंटे वो, 8 घंटे प्रैक्टिकल किया हमने। हेलो, पर्याप्त होता है प्रैक्टिकल? तो हमने किया कि नहीं किया? किया। तो चलिए, तो आज सवेरे सबसे पहले 7:30 बजे क्या किया हमने? रिकॉर्डिंग। क्या इसके पहले आपको रिकॉर्डिंग करना आता था? अभी ये बताओ किस किस को आता है? सभी को? Yes, कोई बाकी तो नहीं है? Yes, अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने कितनी कितनी बार रिकॉर्डिंग किया? 5 से 6 बार। हेलो, कितनी कितनी बार किया? 5 बार, 10 बार, 6 बार, 8 बार। किस किसने किया? सबने किया। कोई बाकी तो नहीं है? जो टाइम दिया गया था सबने करा उसके अंदर? सर, अपने पास ट्रिक ऐसी है, जिस ऐसे टेलीकॉम के नाम से आप आए उनके पास ट्रिक है, नॉलेज है ना, वो नॉलेज लेने आया पूरा। कोई भी यहाँ से बिना नॉलेज लिया आज तक नहीं गया। हेलो, नॉलेज लेके ही गया। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, मेरे साथ पहले स्टूडेंट है, नाम बताइए प्लीज। सर, मैडम जय, राजस्थान से हूँ। सर जय, तो आज एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, और ये बताइए कि पहले दिन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवेरे से लेकर रात तक। सर, हमने पहले आईसी कॉलिंग करी, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट की क्लास भी देवसर के साथ, ठीक है सर, उसके बाद प्रैक्टिकल करा सर। अच्छा, पूरा प्रैक्टिकल करा। तो देवसर के साथ जो आपकी जो क्लासेस थी वो क्या लेवल से थी? सर, नेक्स्ट लेवल की थी, बहुत बढ़िया सिखाया सर। ठीक है, थैंक यू। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आप इधर आ जाइए। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। जितेश सोनी। तो जितेश, आज आपका एशिया टेलीकॉम में पहला दिन। यस सर। तो क्या तुम क्या सोच के आए थे, क्या मिल गया तुम? मैं कुछ था ही नहीं, बंद बहुत कुछ गया, मुझे ऐसा लग रहा कि बहुत कुछ सीख गया। तो आज तो एक दिन की क्लास हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, तो कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मैं 15 साल से। 15 साल से काम कर रहे हैं आप, तो मैं बोल सकता हूँ कि 15 साल का नॉलेज और एक दिन का नॉलेज कौन भारी है? एक दिन का नॉलेज। सच में? सच में। जो काम आपसे नहीं बन रहे थे वो बने यहाँ के? यहाँ बने। अच्छा, और फिर आपकी देवसर के साथ कंपोनेंट 2 की क्लास, क्या लेवल का नॉलेज मिला है? बढ़िया, हमने जो पार्ट्स के बारे में बताया वो मुझे बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, आज मुझे चेक करना आ गया। आज चेक करना आ गया। अगर मैं बोलूँ कि सीरीज चेक कर लो, पैरेलल चेक कर लो, रजिस्टर चेक कर लो, मैं आपसे पूछूँ कि मेरे को 1 मेगा ओम का रजिस्टर ढूंढ के बता दो, मैं आपसे बोलूँ 5 ओम का रजिस्टर ढूंढ के बता दो, 1K का रजिस्टर ढूंढ के बता दो, 50 ओम का रजिस्टर ढूंढ के बता दो, 0 ओम का रजिस्टर ढूंढ के बता दो, 10 ओम का रजिस्टर ढूंढ के बता दो, बता सकते हो? बता दूंगा। अच्छा, कैपेसिटर चेक करने का मेथड आपको आया? आ गया। कैपेसिटर की पहचान है, क्योंकि कैपेसिटर तो बहुत प्रकार के आते हैं, बहुत प्रकार के आते हैं। एक तो कैपेसिटर ऐसा आइडिया आता है कि ऊपर से दिखता ही नहीं है, उसका नॉलेज है हमको। 4 लेग के कैपेसिटर का नॉलेज है हमको, 2 लेग के कैपेसिटर का नॉलेज है हमको। कैसा टेस्ट करना है? नहीं, कैसे टेस्ट करना है बताना नहीं है, कैसे टेस्ट करना है? अच्छा, ये बताइए थर्मिस्टर कौन कौन ढूंढ सकता है पीसीबी में से? डायग्राम के कि बिना डायग्राम तो नहीं बोला ना आज हमने। हेलो, और बोर्ड अपने कोई देख के लिए क्या? बोर्ड आया वो निकाला, कोई सा भी बोर्ड हमको मालूम है कि कौन किस आईसी के पास है, तरीका है हमारे पास। तो मेरे साथ सामने जी। Yes, sir. जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जुनैद है, यूपी से हूं, मेरठ से। जुनैद, कितने साल का एक्सपीरियंस इस लाइन में? मैं सर फ्रेशर हूं। फ्रेशर हो बिल्कुल। जी सर। अच्छा, तो एज ए फ्रेशर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी आपने रिबोलिंग किया था? नहीं सर। आज कितनी देर में कर लिया? आज 5 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट। कितनी बार करा आपने? मैंने 10 बार करा। यस सर। तो तुक्के में हुआ कि एक्सीलेंट तरीके से? एक्सीलेंट तरीके से। फिर आपकी कंपोनेंट की क्लास देवसर के साथ थी, क्या लेवल का देवसर के द्वारा नॉलेज मिला? देवसर के साथ हमारी जो कंपोनेंट की क्लास थी उसमें 0 से एडवांस लेवल मिला। 0 से एडवांस लेवल। सर, ऐसा तो नहीं कि सीधे एडवांस में लगे और नीचे की चीज? नहीं सर, नहीं, 0 से एडवांस। 0 से एडवांस। और उसके बाद उसके इस क्लास में आने के बाद क्या किया आपने? इसमें प्रैक्टिकल किया हमने उसका। अच्छा, प्रैक्टिकल में किसी प्रकार का कोई डाउट? नहीं सर, कोई नहीं। वो सीरीज हो, पैरेलल हो, थर्मिस्टर ढूंढना हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। थर्मिस्टर ढूंढना हो, कैपेसिटर को चेक करना हो, 4 लेग का कैपेसिटर हो, 3 लेग का हिडन कैपेसिटर हो, सब कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। कर चुके आगे भी करें। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक अगर मदरबोर्ड में से एक लाइन में से मैं सारे कंपोनेंट हटा दूं और आपको जज करके बताऊं कि आप जज करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगा हुआ पेन लाइन को देखते, तो आप बता सकते हैं? यस सर, बिल्कुल। चलिए, तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। मनोज, कहाँ से हो आप? यूपी लखनपुर। तो ये बताइए मुझे कि कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? 4 साल हो गए। तो 4 साल का नॉलेज और एक दिन का नॉलेज? एक दिन का नॉलेज भारी है, 4 दिन पे। तो कभी जीवन में रिबोलिंग किया था? कभी नहीं। आप तो मेरे को बहुत बार रिबोलिंग करके बताया आज।
5 बार रिकॉर्डिंग करा तो ये दुखे से हुए या परफेक्शन से हुआ। फिर आपके कंपोनेंट की क्लास थी सर के साथ, बहुत अच्छी। उसके बाद मतलब क्लास में कैसा नॉलेज मिला सर का, पढ़ाने का तरीका तरीका और नॉलेज का सेंस कितना है सर? फर्स्ट लेवल का सर। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर प्रैक्टिकल किया क्लास में? जी सर। मतलब मैं आपसे बोलूँ की धर्मेश्वर के 3 लेयर में ढूंढ के बता दोगे? 4 लेयर का कैपेसिटर को चेक करके बता दोगे आप? 3 लेयर के कैपेसिटर को चेक करके बता दोगे आप? थर्मिस्टर ढूंढ के बता दोगे आप? मैं आपसे बोल रहा हूँ सीरीज और पैरेलल क्या होता है ये मालूम है? बिल्कुल। आप चेक कर सकते हो कौन सा कंपोनेंट सीरीज में लगा, कौन सा पैरेलल लगा? मैं रजिस्टर का ये बोलूँ की मेरे को 5 के का, 10 के का, 15 के का, 25 के का और 150 के का रजिस्टर निकाल के बता दो तो बता दोगे? सारे ढूंढ के। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए प्लीज अपना। विशाल। देखो दुनिया का हर स्टूडेंट पढ़ाता है राइट। तो एशिया टेलीकॉम में एशिया टेलीकॉम आपको गारंटी के साथ पढ़ाता है। इसके साथ गारंटी के साथ हमने आपको कल जब आपसे आए थे तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि पहले दिन और 1 घंटे के अंदर आप 5 टाइम आप उसको रिकॉर्डिंग को डन करके बैठेंगे, तो आप बैठेंगे नहीं बैठेंगे? अच्छा, दूसरी बात, जो कंपोनेंट का जो सर ने नॉलेज दिया, जो सर के साथ क्लास की आपकी, क्या लेवल का नॉलेज दिया? नेक्स्ट लेवल की सर। अगर एक रजिस्टर अगर मिस हो जाता है आपकी पीसीबी में से तो क्या उसका होता है या पता है आपको? सर्किट में सर ने बताया एक चालू मोबाइल पूरा डेड हो जाता है। बताया आपको? अच्छा, दूसरी बात, आप फिर क्लास में प्रैक्टिकल के लिए आए, प्रैक्टिकल में आने के बाद किसी प्रकार का कोई डाउट, जैसे आपको सीरीज पैरेलल को चेक करना, रजिस्टर का वैल्यू निकालना, 10 के का, 15 का, 10 के का, 25 के का, 35 के का, 100 के का, 500 के का, 470 के का, ये हमको आया कि नहीं आया? अच्छा, हम सीरीज पैरेलल कैसे होता है हम चेक कर सकते कि नहीं कर सकते? हम थर्मिस्टर को ढूंढ सकते कि नहीं ढूंढ सकते? दुनिया का कोई सा भी मदरबोर्ड अगर उसमें थर्मिस्टर लगाया तो हम ढूंढ सकते कि नहीं ढूंढ सकते? उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं? क्या वैल्यू को आता है हमको मालूम है? हमको ये मालूम है कि मतलब चेक करने की जो प्रॉपर मेथड है क्या है, कि हमने डायग्राम के साथ चेक करा कि बिना डायग्राम के चेक करा? आज हम मल्टीमीटर चलाना एक दिन में ही सीख गए, सारी रेंज हमको मालूम है, कौन कौन से मोड्स आते हैं मालूम है हमको। चलिए ऑल द बेस्ट। तो चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए प्लीज अपना। तरुण गर्ग। तरुण कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप मोबाइल? 5 साल से। 5 साल से काम कर रहे हैं, और आज का एक्सपीरियंस की बात करूं मैं तो सर मुझको पहले नहीं पता था, सब नया है और अच्छा है, सब सीख रहा हूं इधर आप। दूसरी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आज रिकॉर्डिंग कितनी बार किया? 5 बार रिकॉर्डिंग किया। तुक्के में करा कि परफेक्ट तरीके से? एक से करा। अच्छा, दूसरी बात ये पूछूंगा आपसे कि देव सर के साथ जो आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, तो कंपोनेंट की क्लास का लेवल क्या था आपका? अच्छा था सर, एडवांस। अगर यही क्लास अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते और फलाने फलाने टीचर से आपको ये क्लास मिलती तो क्या इतना सीख पाते आप? सर नहीं। या एक कंपोनेंट के बारे में इतनी जानकारी मिल पाती? सर एक दिन में नहीं मिल पाती। एक दिन में नहीं मिल पाती। अच्छा, उसके बाद आए तो यहाँ प्रैक्टिकल किया आपने? प्रैक्टिकल किया। मैं अगर मैं बात करूं कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये चेक कर सकते हैं? रजिस्टर का हर वैल्यू चेक कर सकते हैं? मैं आपको 0 ओम से लेकर 60 मेगा ओम तक के रजिस्टर का अगर निकाल ढूंढना हो तो निकाल सकते हैं? किसी दूसरे बोर्ड से निकाल के वाली पीसीबी में डाल सकते हैं? सेकंड चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कैपेसिटर 4 लेग का हो, 2 लेग का हो, 2 लेग का हो या 3 लेग का हिडन कैपेसिटर हो, उसको ढूंढ के चेक कर सकते हैं? अच्छा, अगली बात आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप थर्मिस्टर को ढूंढ सकते हैं? थर्मिस्टर को ढूंढना एक टिपिकल काम है, 10 साल से काम करने वाला बंदा नहीं ढूंढ पाता। नहीं सर, क्या आप ढूंढ पाएंगे? जी सर, ढूंढ सकते हैं। एक बार आपने ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है? अच्छा, कोई डायग्राम की जरूरत पड़ी ढूंढने में? नहीं, डायग्राम की जरूरत तो पड़ी होगी भाई, कैसे मिल गई? नहीं, कोई डायग्राम नहीं पड़ी। चलिए आया था उसी से। चलिए चलिए, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। अभिजीत दास। कहाँ से आप? वेस्ट बंगाल से। तो अभिजीत, आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि कितने समय से काम कर रहे हैं मोबाइल लाइन में? 8-10 साल से काम कर रहे हैं। तो 10 साल का नॉलेज और आज के नॉलेज की बात करूं तो क्या फर्क है इसके अंदर? बहुत फर्क है सर, क्योंकि आज मैंने इमेज रिकॉर्डिंग का नया क्लिक सीखा, बहुत स्पीड से काम कर सकते हैं। और उसके बाद के वेदन सर ने हमको बहुत नॉलेज दिया कंपोनेंट के बारे में, एक सब चीज डिटेल्स में समझाया जीत तक। अच्छा अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप अगर यहाँ के बजाय कहीं और पढ़ने जाते हैं तो क्या ये नॉलेज उठा पाते हैं? नहीं सर, नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे बात करूँ मैं कि एक रजिस्टर का और एक कैपेसिटर का क्या इंपॉर्टेंट होता है ये मालूम है आपको? हाँ। कैपेसिटर पे आने वाली रीडिंग का क्या खेल होता है ये मालूम है आपको? हाँ। कब हमको किस कहां से हमारी शॉर्टिंग है, कहां पे हमारी शॉर्टिंग नहीं है, ये हमको मालूम है? बाय प्रैक्टिकली हम मदरबोर्ड की पीसीबी में से कोई सा भी रजिस्टर कोई सी भी वैल्यू का निकाल के इस पीसीबी से निकाल के दूसरी पीसीबी में डाल सकते हैं? सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये हमको मालूम है? अगर हमारे मोबाइल के अगर कंपोनेंट है तो कोई से भी कंपोनेंट को चेक करके बता सकते हो सीरीज या पैरेलल? मल्टीमीटर के सारे फंक्शंस मालूम है आपको? वो भले एम्पियर टेस्ट करना हो, एम्पियर टेस्ट करना हो, टोटल डायोड मोड, एम्पियर मोड, टेम्परेचर मोड, बजर मोड, ओम्स मोड, कोई भी मोड हो, हम चेक करने में सक्षम है। एसी डीसी सारा चेक कर सकते हैं। थर्मिस्टर ढूंढने का जो आपको स्किल दिया देव सर ने, वो कैसा स्किल? बहुत अच्छा लगा सर, 5 से 6 मिनट लगेगा, निकाल सकते हैं, निकाल रहेगा, बोर्ड में रहेगा तो निकल जाएगा। चलिए ठीक है, ओके सर। चलिए, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। निकेतन चौधरी है मेरा नाम। अच्छा, तो निकेतन ये बताइए मुझे कि कितने समय से काम कर रहे हैं आप? 8-10 साल से काम कर रहे हैं। तो 10 साल का नॉलेज और आज का एक दिन का, सिर्फ एक दिन का नॉलेज, एक दिन का भारी है। अच्छा, दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सवेरे आपने आके यहाँ पर क्या किया? सवेरे आके हमने कितने टाइम किया? 10 बार किया आपने। तो परफेक्शन के साथ किया या तुक्के में हो गया? परफेक्शन के साथ। अच्छा, दूसरा देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, जो सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, तो क्या लेवल से नॉलेज मिला? अभी मदरबोर्ड की पीसीबी में, जो मदरबोर्ड की, एक मदरबोर्ड देना मेरे को संख्या उधर से उठा के, तो ये मेरे हाथ में मदरबोर्ड है सैमसंग का। अगर ये मदरबोर्ड है मेरे सैमसंग का, इसमें थर्मिस्टर भी लगा है,
हेलो क्या लगा है थर्मिस्टर भी लगा है रजिस्टर भी लगा है कैपेसिटर भी लगा है तो सारा का सारा चेक करके बता सकते हैं एक मिनट में चेक करके बता सकते हैं और आपने करके बताया भी है तो जो ऐसे टेलीकॉम में नॉलेज मिलता है थ्योरिकल ज्यादा मिलता है कि प्रैक्टिकल ज्यादा मिलता है तो प्रैक्टिकल वाली चीजें क्या आती है हमारी समझ में आती है थ्योरी भी जरूरी है प्रैक्टिकल भी पर बाकी प्रैक्टिकल के ओवर से ज्यादा होना चाहिए तो देव सर ने यहाँ प्रैक्टिकल के ओवर ज्यादा रखे कि नहीं रखे चलिए ठीक है ऑल द बेस्ट चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है नाम बताइए अर्जुन सिंह यूपी से अर्जुन सिंह यूपी से अर्जुन सिंह चाहते तो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते थे पढ़ने में ऐसे टेलीकॉम ही क्यों और आज ऐसे टेलीकॉम की पहले दिन की क्लास जी सर क्या लेवल का नॉलेज मिला है एकदम बेस्ट तो ये बताइए जीवन में कभी आज तक रिवोल किया था आपने रिबॉलिंग करने का तरीका मुझे कुछ भी नहीं आता था नॉर्मली तरीके से अब जो ट्रिक बताइए एकदम बढ़िया से हो जाता है पांच मिनट के अंदर कोई भी मॉडल हो तुरंत रिबॉलिंग तुरंत रिबॉलिंग हो जाता है रिजल्ट मिले हमको है ना मतलब इधर पढ़ा इधर ट्रिक लिया ट्रिक लेने के बाद हमको रिजल्ट मिले अच्छा दूसरी बात आपके देव सर के साथ आज आप कितने टाइम आईसी बनाए भाई पांच टाइम आईसी बना जी सर चलिए तो आपकी देव सर के साथ क्लास थी 10 बजे से लेकर तो 3 बजे तक 4 बजे तक तुम्हारी क्लास थी देव सर के साथ जी सर तो सर ने क्या ऐसा क्या नॉलेज दिया आपको कि जो कंपोनेंट वन की क्लास में कि आप सारी चीजें यहाँ आके ऑटो मोड में कर लिया आपने जी सर सर उन्होंने ऐसा नॉलेज दिया कि आप कोई भी बोर्ड दे देंगे हमें तो हम 5 मिनट के अंदर टेस्टिंग करके एकदम क्लियर बता देंगे कौन सा कंपोनेंट है कैसे वर्क करेगा जो भी है और दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरीज क्या होता है पैरेलल क्या होता है मल्टीमीटर की टेस्टिंग क्या होती है मल्टीमीटर को कैसे अपडेट करना है और आपको कैपेसिटर्स की कैपेसिटर को कैसे चेक करना है कैपेसिटर को कौन से मोड पे चेक किया जाता है एक टाइप से दो टाइप में किया जाता है तो ये नॉलेज है कि नहीं आपको रजिस्टर का मान कैसे निकालना 15 के 25 के 35 के 250 के 100 के 200 के 1 मेगा ओम 1.5 मेगा ओम का कैपेसिटर रजिस्टर को आप कैसे चेक करेंगे ये आपको तरीका है कि नहीं जी सर तरीका एक एनटीसी जो एनटीसी नाम का एक हमारे मोबाइल में कंपोनेंट होता है रजिस्टर का एक रूप होता है एनटीसी जिसको बोलते हैं थर्मिस्टर तो आप किसी भी पीसीबी में से ढूंढने में सक्षम है कि नहीं कोई भी पीसीबी हो जिसमें लगा है खोल देंगे वो कला है आपके पास जी सर चलिए ऑल द बेस्ट चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है नाम बताइए लकी सोलंकी सर गुना जिले से गुना जिले से तो लकी ये बताइए मुझे कि आज आपकी सवेरे 7 बजे से लेके तो रात के 9 बजे यस सर क्लासेस चली हैं यस सर तो क्लासेस के बारे में क्या 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 नॉलेज मिला सर क्लासेस के बारे में जो देव सर ने पूरे तो नहीं अभी 2 कंपोनेंट पढ़ाए तो 2 कंपोनेंट आप और बंद करें मतलब जो हमें नॉलेज बहुत अच्छे लेवल पे नॉलेज दी है सर ने जो हम मतलब कोई भी थर्मिस्टर रजिस्टर कैपेसिटर इनका कोई भी मतलब हो जैसे अपना LVR रजिस्टर लो वैल्यू रजिस्टर हाई वैल्यू रजिस्टर और जो सीरीज क्या होता है पैरेलल क्या होता है कैपेसिटर 3 लेग का कैपेसिटर हो 4 लेग का कैपेसिटर हो 2 लेग का कैपेसिटर हो यस सर और जो अपना सीरीज पैरेलल में जो भी कोई भी लगाओ कंपोनेंट तो हम फाइंड कर सकते हैं और सर उन्होंने एक जो थर्मिस्टर ढूंढने का भूत सा लगता सर किसी भी नए आदमी को ऐसा लगता है ये क्या है तो वो उन्होंने 5 मिनट में जितने भी थर्मिस्टर है सबको आइडेंटिफाई करने का जो अभी कोई से भी बोर्ड में जितना उसमें अगर होगा तो मैं थर्मिस्टर को फाइंड करके आपको चलिए तो मेरे साथ स्टूडेंट है प्लीज नाम बताइए मोहम्मद असलम एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन तो पहले दिन की बात करूंगा आपका पहला दिन कैसा बहुत बढ़िया सर दूसरी बात ये पूछूंगा कंपोनेंट की आपकी क्लास थी जी सर तो कंपोनेंट का नॉलेज आपको आया जी सर का वैल्यू चेक कर सकते हैं कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं हम सीरीज क्या होता है पैरेलल क्या होता है हमको मालूम है हम थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं चलिए ठीक है ऑल द बेस्ट चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है प्लीज नाम बताइए अतुल नाम सर अतुल एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन अतुल कितने समय से काम कर रहे हैं मोबाइल 2014 से कर रहा था सर दिल्ली के नजदीक आए हो मेरठ से आए हो आप चाहते तो कुछ नहीं रखा सर दिल्ली में कुछ नहीं रखा जी नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप सर जो कुछ भी है सर लतन अग्रवाल से अच्छा कोई नहीं लगा बहुत टाइम से सर्च किया है और 100-200 इंस्टीट्यूट में से ज्वाइन किया है अच्छा पहले आप जाके देख चुके हो सबके नॉलेज लिया है सब जानकारी ले गए सब जगह से लेकिन कोई अच्छा नहीं लगा अच्छा जब जाके ज्वाइन किया संतोष ये बताइए मुझे कि कितने समय से आप मोबाइल का काम कर फ्रेशर है तो फ्रेशर है तो फिर तो आता तुम्हारे से तो कल डुएल्ट करोगे आप हाँ बिल्कुल सर और अच्छा कंपोनेंट हो गया तो देव सर के साथ क्या नॉलेज मिला आपको सर सरकार जो पढ़ाने का तरीका था कंपोनेंट की क्लास का वो मुझे पसंद आया उससे क्या है हर एक नया स्टूडेंट फ्रेशर को भी वो दिमाग में आ जाता
दिमाग में आया था। तो अगर फ्रेशर बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ने आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं, कोई सीख ही जाएगा। हाँ बिल्कुल सीख ही जाएगा। अच्छा दूसरी बात, मैं सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है, 100 के, 50 के, 55 के, या आपका 400 के, 470 के, 68 के, कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी रजिस्टर हो करने में सक्षम है। हाँ बिल्कुल सर, मल्टीमीटर पूरा ऑपरेट करना सीखे। हाँ बिल्कुल सर। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, थर्मिस्टर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में आप मिला आपको। ऑल द बेस्ट। नहीं तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, किस नाम बताइए? धीरज कुमार। तो धीरज कुमार, एशियन टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, तो ये बताइए मुझे कि क्या लेवल का नॉलेज मिला आपको? सर का कंटेंट बहुत अलग है, सब अलग है। अच्छा, जो आज कंपोनेंट वन की क्लास थी, तो कंपोनेंट वन में जो भी कंपोनेंट पढ़ा था, उनका जो लेवल था सब डीप लेवल से पढ़ा था, जीरो से लेकर एडवांस से लेकर। अच्छा, तो जो सबने पढ़ाया उसका पूरा प्रैक्टिकल क्या है? मैं आपसे पूरी सीरीज पैरेलल क्या होता है तो आप बता दोगे, करके चेक करके बता दोगे कौन सा कंपोनेंट सीरीज में पैरेलल में? 8-9 घंटे लगातार प्रैक्टिकल किया तो बता दें। तो बता देंगे। अच्छा, उसके बाद आपने आज आईसी कितनी बार बोल किया? 4-5 बार। तुक्के में हो गया? ठीक से सर, ठीक से होगा। एक्सेलेंट तरीके से ये ट्रिक थी क्या हमारे पास? ये काम का तरीका था हमारे पास। चलिए ठीक है, चलिए। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, शशिकांत गुप्ता। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या सवेरे आईसी आपने कितनी बार रिवॉल किया? मैंने 4-5 बार किया। तो तुक्के में हो गया या प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर तरीके से हुआ। आज आपकी क्लास दो देव सर के साथ थी आपकी कंपोनेंट की क्लास, उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्लास में आए तो आपने सारी चीजों का प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? सारे बोर्डों पे क्या आपने, मतलब अगर मैं स्पेशली बात करूं मैं कि आप कोई सी भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हो, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये कर सकते हो, कैपेसिटर चेक कर सकते हो, थर्मिस्टर ढूंढ सकते हो, प्रैक्टिकली आपने ढूंढा कि नहीं ढूंढा? चलिए, तो मेरे साथ स्टूडेंट है, किस नाम बताइए? अब्दुल रकीम। अब्दुल रकीम, ये बताइए मुझे कि आज से पहले कभी पीसीबी पे काम किया था? नहीं किया। अभी आईसी पे काम किया था? नहीं किया। आज किया आपने? आज किया। आईसी रिवॉल्व किया था आपने? डन होगा कि नहीं होगा? किया आपने? किया। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, कंपोनेंट की क्लास देव सर के साथ थी, तो आज कंपोनेंट का सीरीज पैरेलल चेक कर सकते हैं हम? रजिस्टर चेक कर सकते हैं? कैपेसिटर कितने भी टाइप के हो, 3 लेग का हो, 4 लेग का हो, हम चेक कर सकते हैं? 2 लेग का हो चेक कर सकते हैं? थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं? रजिस्टर का कोई सी भी रजिस्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं? चलिए ठीक है। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए? मोहम्मद इमरान। आज आईसी रिवॉल्व किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। उसके बाद आपके देव सर के साथ क्लास थी, क्लास में आने के बाद अगर मैं तुमसे बोलूँ कि रजिस्टर की वैल्यू निकाल के बता दो तो बता सकते हो? सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, बता सकते हो? अच्छा, कैपेसिटर चेक करने की मेथड है हमारे पास? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए चलिए, तो मेरे पास स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना? प्रदीप कुमार कर, उड़ीसा से। प्रदीप कुमार कर। तो प्रदीप, ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, उड़ीसा से इतनी दूर से आया, जबलपुर, यहाँ पर आप जबलपुर आए हो एशिया टेलीकॉम में, तो पहला दिन क्या बोलेंगे आप? सर क्या बोलूँ, बहुत सुबह से हम लोग आ गए हैं यहाँ। फर्स्ट हमने रिपोल किया है, 5-6 बार हर बंदे ने किया है सर। उसके बाद सर ने कंपोनेंट की फाटे लिया, इतने बेहतर तरीके से वो समझाए सर, क्योंकि कोई भी नया बंदा हो तो समझ में आ जाएगा, इतनी इजी ट्रिक से बताया। मैं भी पहले भी आईटी कर चुका हूँ, इतना रेजिस्टेंस और कैपेसिटी का इतना नॉलेज दिया, मेरे को बहुत आश्चर्य लगा, इतने भी हो सकते हैं उसमें। हाँ, इतनी चीजें भी हो सकती हो सकते हैं, मैं भी बहुत खुश हो गया हूँ। और उसका प्रैक्टिकल भी किया हूँ मैंने, और बहुत इजी तरीके से थर्मिस्टर हो या जो कंपनी लगता है मोबाइल से, हर तरीके से ढूंढ सकता हूँ। तो चलिए, फाइनली मेरे पास एक स्टूडेंट और है, फिर नाम बताइए अपना? नाम सोना कुमार, मेरा स्थान दिल्ली से। 12 साल कितने समय से काम कर रहे हैं? यही करीब सर 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए, तो 10-12 साल का नॉलेज और अच्छा नॉलेज सोनू, क्या फर्क? ये कुछ अलग ही है यहाँ का, मैं कुछ अलग ही यहाँ का, मैं मतलब मदरबोर्ड को देखने का यहाँ से कर कुछ अलग हो गया जी। हाँ, हमें पता तक नहीं था, हमने काम कर रहे थे पर ऐसे करते बिल्कुल फॉर्मेलिटी का, पता नहीं था कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा थर्मिस्टर है। ये डिसिप्लिन वाला इंस्ट्रूमेंट है, रास्ता चलता है डिसिप्लिन वाला, 110% सक्सेसफुल सभी के लिए। तो यहाँ पर एवरीवन स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट जो यहाँ पर प्रैक्टिकल के दौरान, जैसे आपने हमारा टास्क आज आपके म्यूजिक को रिवॉल्व करके बताना, तो आपने सभी बच्चों ने 5-5 बार? बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी ने, एक भी अनसक्सेसफुल नहीं है, सब सक्सेसफुल है सर, सक्सेसफुल है। दूसरी बात, यहाँ पर कंपोनेंट की जो क्लासेस हुई है देव सर से, उसका फिर 8-6 घंटे 7 घंटे यहाँ प्रैक्टिकल किया है, सवेरे भी 3 घंटे किया है हमने आईसी के ऊपर काम किया है, तो 8 घंटे की 9 घंटे की प्रैक्टिकल क्लासेस जो होती है, ये फायदेमंद है कि नहीं? बिल्कुल फायदेमंद है सर। सुबह 7 बजे आए हम देव सर, 10 बजे के लमसम क्लास लिया, 4 बजे तक क्लास लिया है ना, उसी के बाद हमने प्रैक्टिकल करा, उसको थ्योरिकल किया, उसके बाद प्रैक्टिकल करा, तो 100% हमारे समझ में आया जी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। नो डाउट सर। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं, क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल DSO और UTD 2 चैनल DSO की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20,000 से 80,000 तक होती है। अभी डाउनलोड करें एशिया टेलीकॉम आईफोन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से।